कपड़े के नंगे इसलिए मैंने मैंने कहा चोरी नहीं किया, हाथ में जुटा, ठीक है ना, जरूरत थी भाई पैसे की, एक सेकंड। चलो भाई, रुक जा, चलो भाई, चलो, रुक जा, भाई गलत इंजाम मत लगा, ठीक है ना, क्या सबूत है? मुझे नहीं पता मैंने कौन लिया है, मैंने कोई सबूत नहीं दिया, चेक कर ले, मैंने इंजाम लगा रही है, आप कैसे इसके साथ? मैंने इंजाम लगा रही है, क्यों लड़ रहे हो यार, गलत इंजाम लगा रही है, एक सेकंड, हुआ क्या है? एक सेकंड, हुआ क्या है? जंगल में, मैंने कपड़े के नंगे इसलिए पैसे नहीं लिए मैंने भाई, झूठ बोल रहा है, गाली मत दे, मार, एक सेकंड, एक सेकंड, कपड़े कहाँ पहले तो ये बता, कपड़े भाई मैंने फट गए, मैंने आपको जो बात, नंगा घूमा, शर्म नहीं आ रही है पार्क में, नंगे की बात है भाई, क्या मेरे को पैसे की जरूरत है? पैसे मैंने तेरे लिए, पर मैंने, पैसे मैंने तेरे लिए, अरे मैं यार, पैसे मैंने तेरे लिए, खामखा दोनों पब्लिक इकट्ठा होगी, तमाशा देखेगी, क्यों ना मानने, क्या हो गया, इसी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ, लिए हूँ तो इसे दे दे, कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, फिर भाई लिए हो तो दे दे यार, मेरी बात सुन, जब मैं कह रहा हूँ लिए हूँ तो इसे दे दे, कोई बात ही नहीं है, फिर मैंने लिए नहीं भाई, कितने पैसे लिए, क्या हुआ है? इसने मेरे 600-700 रुपए निकाले हैं, ठीक है, और बोल रहे की नहीं लिया, मेरे को पता है इसने निकाले हैं। अरे यार भाई लिए होता, देख क्यों भसा, कोई आ जाएगा मारेगा, और तुझे नहीं लिया मैंने इसमें, क्या तो इतना बता, हाथ में जुटा, हाथ में जुटा, तमीज से बोला, ठीक है ना, हाथ मैंने भी उसे, हाथ उठाऊंगा, क्या उठाएगा तुम, तुम तू कौन है, तू कुछ साइड ले रहा है इसका भाई, हां तू साइड ले रहा है, चोरी करो, पैसे सीना चोरी करो, सुनो सुनो, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा भाई, यूं देख ले, तू लड़ रहा है इतनी बुरी तरह, झाड़ियों से मार भी लिए, गाली भी दे रही है, इतना उल्टा उल्टा बोल दिया, देखो भाई, मतलब मैं एक तो चोरी कर रहा हूं और पैसे बोले कि उल्टा उल्टा बोल रही है, तेरे भोसड़ी वाले करूं क्या मैं, अरे गाली मत दे, ठीक है ना, गाली मत दे, ठीक है ना, क्या गाली ना दे, तू क्या कर रहा है, ना तो सबूत है ना कुछ है, पैसे नहीं है यार, पैसे नहीं है उस पर, तो जाने दे उसको, छोड़ दे उसको, तू भी इसके साथ ही है क्या, अबे भाई के साथ आदमी है, कोला वाला तगड़ा, ठीक है ना, जानते भी नहीं तेरे को, मेरे को जानते भी नहीं भाई, तुम लोग तो यही करते हो, पूरी प्लानिंग होती है कि हां भाई, प्लानिंग प्लानिंग नहीं है, ठीक है ना, अबे तू चुप होगा सारा, तुझे बताऊंगा मैं, तेरे चक्कर में मुझे और फंसा रही, मुझे क्यों बोल दिए, तो फिर तू किसे डरा रहा है, कौन है तेरा रिश्तेदार है तेरा, अभी रुक जा, अगर तू अभी दिख रहा है वो ऐसा लौंडा, अभी तुझे मार के चला जा, चक्कू वक्कू, फिर कैसे मार देगा, मेरी सुन ले यार, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही कि मैं भी ऐसा हूँ, तुझे लग रहा मैं ऐसा हूँ, पैसे नहीं है, ये लड़की ऐसी भाई है, बदतमीज लड़की है, तमीज नहीं है बोलने की, इसके तमीज नहीं है और इल्जाम लगा रही है, सबूत नहीं है ना, पैसे देख ले, चुप हो जा तू, चुप, हाथ मत लगा, ठीक है ना, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, ड्रामा कर रही है, क्या सीना जोड़ी, छोड़ा कैसे हो रहा है, छोड़ा क्या हो रहा है, मैंने लिए नहीं, छोड़ूंगा मैं, मत हाथ उठा, क्यों हाथ उठा रही है, तो उसके लिए बुरा बन जाएगा कि लड़की पे हाथ उठा, तू उठाई जा रही है, मारे जा रही है उस पे यार, उसने पैसे किससे पूछ के छुड़ाए, रख के गए थे, किसको
कौन से पैसे सबूत दिखाना है ही नहीं मेरे पास पैसे ले हाथ निकाली तुमने बताया कोई सबूत ही नहीं मेरे पास और ये बंदा मेरे बैग में हाथ मार रहा था मैंने अचानक से पीछे देखा तो ये भागने लगा तो तूने से पकड़ा है हां मैंने तो पकड़ा है वो देख अगर उन्होंने पैसे लिए भागना चाहे तो वैसे ही भाग सकता है यार मैं भगा ही नहीं भाई भाग गया तभी तो पकड़ा है मैंने उसको ये जब ढंग से भाग नहीं पाएंगे हील पहन के भाग लेगी पकड़ लेगी मेरे को हील पहन के भाग लेगी भाई मेरी बात सुन अगर लिए हो तो दे दे नहीं लिए भाई हां मैं चला जाऊंगा फिर मारती फिरेगी और पब्लिक आ गए तो और मारेगी भाई मैंने लिए ही नहीं सर मैं और मारेगी भाई और तू सच बोल दे पैसे दे दे मेरे ठीक है भाई और पैसे दे बस सबूत है मेरे पास सबूत है मेरी बात सुन सबूत तू भी करे जा रहा हो तो दे दे भैया और पब्लिक आए बहुत मारेगी ये तो कुछ ना मार रही है और अगर ना हो नहीं है भाई नहीं है तो एक काम से पकड़ थाने ले जा कहीं मुझे मार रही है बात खत्म हां चल मेरे को लेके चल थाने चल तेरे को ही पता थाने तू डेली ऐसे बच्चे को फंसा के थाने में ले आती की तू तेरे को पता भी नहीं कुछ तुझे कोई दिक्कत नहीं है पता तेरे को पता भी नहीं मेरे को दिक्कत रुक जा एक मिनट रुक जा जेब दिखा ये फोन किसका है फोन मेरा है हैं मेरा तेरा ही है फोटो में मेरा लगा हुआ है पीछे घूम करो उसकी जेब चेक और कौन सी रही ये जेब दिखा ये क्या है निकले ना पैसे हैं और सर तू तो कह रहे कि नहीं ये पैसे मेरे पैसे निकाल इसमें से नहीं निकाले गाड़ी वाले मत दे ना पैसे निकाल एक मिनट पैसे निकाल ला ये वाह ये क्या है भाई निकले ना भोसड़ी वाले हैं अरे मैंने कोई चोरी नहीं किया ठीक है ना मैंने कोई चोरी नहीं किया हाथ में जुटा ठीक है ना चोरी नहीं किया ये क्या है मेरे को जरूरत थी भाई पैसे की एक सेकंड क्या जरूरत थी भाई मेरे जरा अपने पैसे पकड़ो जरा भाई मेरे घर में हैं भाई मेरे घर में बीमार थे ये जरूरत है मैं और मारूं तुझे हैं मैं साले आके चोरी कर रहा हूं घर में जरूरत था भाई हैं दादी बीमार और मारूं मम्मी बीमार थी बाप चोरी करेगा पैसे क्या भाई घर में जरूरत थी भाई और मम्मी बीमार थी तो जैसे वो जब कह रही है जब एक मिनट जब वो तेरे से बोल रही है कि पैसे तूने लिए नहीं क्यों मना कर रहा है तो दे दे उसके भाई मेरे को बहुत पकड़ा गया जब तू पकड़ा गया तो उसके दे दे पैसे क्यों ना दे रहा भाई मेरे को डर लग रहा था ना मैं बता देता फिर पुलिस और अब हो जाएगी अब क्या करेगा अरे सारी चीज देख रिकॉर्ड भी हो रही है देख दिख रहा है अब क्या करेगा भाई कैमरा क्यों लगा हुआ भाई कैमरा नहीं फ़ोन है ये दिख रहा तुझे ये फ़ोन है ये भाई वो मेरे को जरूरत थी बहुत ज़्यादा और दादी बीमार थी उनके पैसे चाहिए थे 700 रुपये जब भी मैंने 700 रुपये लिए थे झूठ कितना बोला नशे ही करने होंगे इसको नशे वैसे नहीं करता मैं नशे ही लेकर वैसे लड़का नहीं जरूरत थी तो मांग नहीं सकता था क्या पता मांगने दे मुझे तो पता है आजकल के मामले में कौन हेल्प करता किसी 1 रुपये हेल्प नहीं करता कोई क्यों नहीं करता भाई कौन नहीं करता मैं करता हूँ सबकी हेल्प मैं तो सबकी करता हूँ अगर आपसे 200 रुपये मांगता देते नहीं आप इसे जरूर देती है लेकिन ऐसे चोरी की है ना फिर? मांगने से जा पहले मांगा था दिया नहीं ने ये सच बोल रहा है झूठ कितना बोल रहा है ऐसे कम मांगता पहले मांगा था अभी भी झूठ पागल हो गया क्या पैसे चुरा लिए झूठा झूठा नाम भी लगा रहा है सही मारा उसने जितना मारा था सही मारा उसने सही मारा सुकर की 2-4 और ना मारा जरूरत थी मैं मारूंगा मर जाएगा सारे पैसे नहीं दूंगा मैं मुझे जरूरत है दादी की तबीयत खराब है दवाई लेने आनी है और पापा कमा नहीं सकता कमाने भाई जॉब भी नहीं मिलती कहीं कोई है कमा नहीं सकता तेरे पास कम हाथ नहीं है तो पैर नहीं है है पैर है पर जॉब नहीं पापा क्या करते हैं पापा नहीं देते पैसे पापा दारू वारू पीते हैं भाई नशा वशा करते हैं इसलिए और मम्मी बीमार रहती है और दादी बहुत ज़्यादा बीमार है दवाई चाहिए थी मेरे को जब भी पैसे में तो दवाई चाहिए थी तो चुरा के लाया कम से कम एक बार 100-200 मांगता किसी और से मांगता हाँ नहीं देते किसी ने कोई तो मदद कोई तो करता है यार अब मेरे को चोरी ले जाए तबियत मेरी बात सुना अभी तुझे ले जाए थाने में फिर वहाँ से कौन भरेगा वहाँ डंडे पड़ेंगे अलग हाँ मुझे पता मिल रहा है इनसे कुछ तो नहीं मिल रहा पर मेरे को दादी को ये चाहिए था बहुत ज़्यादा तबियत खराब है उनका और दवाई चाहिए था मेरा दादी का बहुत ज़्यादा दवाई चाहिए था कि देख किसी से बोल दो दवाई चाहिए तो ठीक है चुराने से फायदा ना है एक डेढ़ घंटे से मांग रहा हूँ किसी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा भाई 100 रुपये की हेल्प तो एक डेढ़ घंटे अपने दोस्तों से बोल रिश्तेदार कोई तो होगा भाई कोई तो होगा करता भाई इतने ऐसे टाइम में अभी इसके साथ कोई होता लड़का इसका बंदा बंदा है भाई भाई कोई होता कितना मारता फिर तुझे हड्डी पर हड्डियाँ तोड़ देता तेरी वो बात ठीक है पर पता है मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरत थी मेरे को इसलिए मैंने दिया था पर पैसे नहीं दूंगा इन्हें भाई उनके बोल लगे पैसे नहीं पैसे दे दिए मैंने तो अब क्या करेगा पैसे पैसे नहीं दूंगा भाई मेरे को हेल्प चाहिए थी भाई दादी की मतलब और मारे तुझे पैसे दे दें मुझे पैसे चाहिए मेरे को भाई जितना भी मारा क्यों मारूं तेरे को मैं एक मिनट मतलब तुझे मारे पैसे दे दें हाँ मुझे पैसे चाहिए मुझे नशा वसा कर क्या है नशा नहीं कर रहा मैं नशा नहीं करता मैं सुन गई वो तो दिख रहा है शरीर से सुन गई नशा नहीं करता मैं और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है मैंने यार अब तो ऐसी लग रही है नशा वसा जेब का तरफ आपके पैसे पूरे मिल गए हाँ मेरे पैसे पूरे हैं आप जाओ यहाँ से आप जाओ पर तुम्हें चोरी मत किया कर जाओ आप जाओ तो चूतिया है भाई चोरी कर रहा है यार मार रही है बुरी तरह कोई और पब्लिक होती वो भी मारेगी कहाँ सीखा ये सब भाई और पहले भी की होगी चोरी फिर तो नहीं पहले कभी ऐसा हो ही नहीं सकता तू पहली बार चुरा रहा हो पहली बार ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू पहली बार चुरा पहली बार पकड़ा जाए कभी और चोरी की हो कुछ चोरी के सच होता बिल्कुल कभी चुराया कुछ और पैसे चुराएंगे सच में बोलना
लेकिन पापा का नंबर मिल गया अपने, मम्मी का नंबर, पापा का नंबर मिला, मम्मी का नंबर मिला। यही नंबर है मम्मी ये वाला है। अगर अगर मना किया ना साले मैं मारता हूँ, ले जाऊंगा तुझे। हाँ जो करना ध्यान रखना, मैं झूठ नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं करता। हेलो हाँ आंटी जी, रवि नहीं बोल रहा, उसके दोस्त बोल रहा हूँ, जरा एक आपसे बात करनी है। नहीं ठीक है ठीक है भाई। अच्छा हाँ मुझे ना ये पूछना है आपसे कि जो आप मतलब रवि जी दादी, उनकी तबीयत ख़राब है क्या? और जो अब रवि के पापा हैं, दारू वारू पीते हैं? नहीं नहीं जी, मैं कोई पुलिस वाला नहीं बोल रहा ऐसा। एक्चुअली वो मुझे मिला था ना यहाँ पे, तो काम वाम के लिए मतलब जॉब वॉब के लिए बोल रहा था, तो मैंने कहा चलो जॉब की इतने पहले मैं घर पे बात करा एक बार, इसलिए। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए मैंने फ़ोन किया कि जॉब के लिए बोल रहा था ना, मैं जॉब के लिए, मैंने कहा चलो रखवा देता हूँ। जी 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 हाँ बता रहा कि काम नहीं, मैं अब करता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं आंटी लग जाएगी, लग जाएगी। वह फिर भी यार तेरी माँ तो कितनी उम्मीद रख रही है यार। वो बात ठीक है, पता है कोई भी हेल्प नहीं कर रहे थे भाई, इसलिए। कितने रुपए चाहिए दादी के लिए? 700 रुपये। हैं 700 रुपये दवाई के लिए? 700 रुपये पता नहीं पड़े होंगे। नहीं पकड़ियो, 700 रुपये तो पड़े नहीं मेरे पे, ये सब पैसे पड़े हैं यार, ये रख ले ठीक है, ये रख ले आराम से अपने पास रख ले। भाई अब मच रही है, अब मच रही है, नहीं चुराऊंगा। अगर चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, घर पे पता लगेगी, माँ और सोचेगी पता नहीं क्या हुआ बच्चे के साथ, और हड्डी वड्डी कोई तोड़ देगा फिर उसमें और पैसा कहाँ से लगाएगा, जब पैसा है नहीं तो कहाँ से लगाएगा। बेटा सब करते हैं, मेरी बात सुन, जॉब के लिए ढूंढ, कहीं ना कहीं जॉब देख, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे तक काम करते हैं, पता तुझे, बेलदारी करते हैं, बतेरे काम है यार, काम बहुत है तुम करने वाले तो ना। तुम कहोगे मैं अच्छा काम करूँगा, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है, ध्यान रख अपना, ठीक है, चल जा आराम से, चल सीधा घर जाइयो।